जय मांबे। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है किरण और लोदीज रेसिपी में आप सभी का बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, हलवा तो हम सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है, चाहे वह लौकी का हो या सूजी का हो या फिर बेसन का। तो फ्रेंड्स, आज मैं बेसन का हलवा बनाने जा रही हूँ जो बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसे बनाना हम शुरू करते हैं। तो मैंने एक मोटे तले वाली कढ़ाई गैस पर चढ़ा दी है और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखेंगे। मैंने इसमें 2 से 3 बड़े चम्मच घी डाल दिया है फ्रेंड्स। तो घी का इस्तेमाल हम थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे। मैंने इसमें 1 कटोरी से थोड़ा सा कम बेसन लिया है। बेसन को अच्छी तरह से छान लेंगे। अब चलिए घी में डाल करके इसे अच्छी तरह से मिक्स करके और इसे बिल्कुल धीमी आंच में अच्छी तरह से हम इसे भूनना है। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छी तरह से भूनना है, ये कच्चा ना रह जाए, वरना ये कच्चा रहेगा तो हलवे का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो इसीलिए हमें इसे बिल्कुल धीमी आँच में और बिल्कुल चलाते हुए बहुत ही अच्छी तरह से इसका गोल्डन कलर लाना है। तो फ्रेंड्स, इसे बनाना बहुत ही ज़्यादा सरल होता है और बहुत ही जल्दी झटपट बनकर ये तैयार हो जाता है। फ्रेंड्स, अब हल्की हल्की ठंड की शुरुआत भी होने लगी है, आप इसे सुबह के नाश्ते में भी इसका सेवन कर सकते हैं। बेसन का हलवा स्वादिष्ट बहुत ही ज़्यादा होता है और इसे आप सर्दियों में इसका सेवन कर सकते हैं। चलिए, मैंने इसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स छोटे छोटे टुकड़ों में काजू और बादाम डाल दिए हैं फ्रेंड्स। इसे हल्का सा चला देते हैं ताकि ये भी थोड़े से रोस्ट हो जाएं। बेसन हमारा अच्छी तरह से रोस्ट हो चुका है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें मैं गुनगुना दूध डाल देती हूँ। तो दूध को हमें गुनगुना करके ही डालना है और बस थोड़ा थोड़ा करके इसे डालते हुए और चलाते जाना है। तो फ्रेंड्स, हलवा बहुत ही जल्दी बन जाता है। अब इसमें हम स्वाद के अनुसार चीनी डालेंगे। आप जितना मीठा या कम चीनी खाते हैं उसके अनुसार आप इसमें चीनी डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इसे लगातार चलाते रहेंगे और गैस की फ्लेम को बिल्कुल धीमी रखेंगे। तो बेसन का हलवा बनाने के लिए हमें ज़्यादा बातों का ध्यान नहीं रखना पड़ता है फ्रेंड्स। बस एक ही बात का ध्यान रखना पड़ता है कि गैस की फ्लेम हमें बिल्कुल धीमी रखना है और इसे बिल्कुल धीमी आँच में हमें भूनना है, तभी इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा झटपट बनकर बेसन का हलवा तैयार हो चुका है और बहुत ही जल्दी ये बन जाता है। तो आशा करती हूँ फ्रेंड्स, आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स, आप इसे ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा। मैंने इसे चांदी के वर्क से थोड़ा सा सजा दिया है। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा इसका लुक लग रहा है। तो फ्रेंड्स, आशा करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अपनी सेहत का हमेशा ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जल्द मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।